बड़ी खबर खनियाधाना से आ रही है, जहां पर खनियाधाना नगर परिषद अध्यक्ष पति सत्येंद्र साहू की नगर परिषद के अंदर दबंगई देखने को मिली है, जहां पर नगर परिषद में नव निर्वाचित वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद करण आदिवासी के साथ नगर परिषद अध्यक्ष पति सत्येंद्र साहू के द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई। धक्का देकर नगर परिषद के बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के अनुसार खनियाधाना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद करण आदिवासी अपने साथियों के साथ वार्ड में हो रही पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद पहुंचे थे, जहां पर अध्यक्ष के ना मिलने के बाद अध्यक्ष पति मौके पर मिले, जहां पर वार्ड पार्षद करण आदिवासी ने अपनी समस्या बताई तो अध्यक्ष पति सत्येंद्र साहू ने नगर परिषद वार्ड नंबर 3 के पार्षद करण आदिवासी के साथ मां बहन की बुरी गाली दे दी और जातिगत गालियां भी दी। जब पार्षद ने गाली देने से मना किया तो अध्यक्ष पति सत्येंद्र साहू ने गाल पर चाटा मार दिया और धक्का दे दिया, जैसे पार्षद नीचे गिर गए। पार्षद ने थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि धक्का देने से पार्षद की छाती में मूंदी चोटें आई है। मौके पर पार्षद के सहयोगी काशीराम आदिवासी और पार्षद हाजी दाऊद अली थे, जिन्होंने बीच बचाव किया और घटना देखी। वह नगर परिषद अध्यक्ष पति सत्येंद्र साहू के पार्षद करण आदिवासी को जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिससे पार्षद भयभीत है। खनियाधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना जो हुई थी कि साहब हम गए पानी की समस्या पूछने नगर पालिका, तो अध्यक्ष के घर वाले बोले, उनके पास पहुंचे हम, क्यों आए कैसे आए, हमने कही पानी की समस्या ले लिया, 3 महीना से पानी नहीं मिला हमें ढंग से, बोले है कोई पानी मानी नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, तुम जाओ यहाँ से अंदर चोदना यहाँ जाते हैं। किसको लेके गए आप साथ में? साथ में पार्षद को। अपने वार्ड पार्षद को साथ में लेके गए थे? अपने वार्ड पार्षद को साथ में लेके गए थे, उनने हमको नहीं सुनी, गाली के भगा दिया, धक्का दे दिया। फिर क्या हुआ? हम भगे आए, फिर आप थाने आए? हम थाने आए, थाने में हमारी जो सुनाई होगी तो अब आप सुनेंगे, तो हम रिपोर्ट लगवाई। आपने रिपोर्ट लगवाई? कट करो। हम करण, कहाँ के हैं आप? 3 वार्ड, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं आप? आपका नगर पालिका में क्या घटना हुई थी? हमारी नगर पालिका में घटना ये हुई कि हम गए नगर पालिका, तो क्या है कि इधर से गए तो उन्होंने धक्का मक्का दिया। किसने? उन्होंने छाती में धक्का दिया है। किसने? ये सत्येंद्र साहू ने, नगर परिषद अध्यक्ष पति। हाँ, पूरी घटना, पूरी घटना ये, वो धक्का दे दिया, वो हमें बाहर निकाल दिया। आप क्यों गए थे नगर पालिका? जी पानू के लिए गए थे, जी देन पान है, जी गाली भी थी, वो पानू के लिए हम गए थे। सबसे ज्यादा हमें पानी की समस्या है, वार्ड नंबर 3 में पानी की समस्या है सबसे ज्यादा। आपके पार्षद ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ जो आज FIR कराई है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखो, ये मामला तो मेरे संज्ञान में नहीं था, क्योंकि मैं कुछ काम से यहाँ गुड़ राजापुर गया हुआ था। जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने जानकारी लगाई, तो मुझे ये पता पड़ा कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद करण आदिवासी जी के खिलाफ में आवेदन देने गए। ये बहुत ऐसा लगा मेरे को कि वो पार्षद जी बेचारे बोलना भी नहीं जानते ठीक से अच्छे से, और वो उनके ऊपर ये कर्मचारी लेके गए हैं। फिर मैंने ये जानकारी लगाई तो पता पड़ा कि वो नल की जल अपने पानी की व्यवस्था के लिए नगर पालिका गए हुए थे। तो वहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष पति हैं सत्येंद्र साहू, उनके द्वारा उनसे अभद्रता की गई और धक्का मुक्की की गई, ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आया है। तो जिस पे जाकर उनने आवेदन दिया है और FIR कराई है, ये पूरा मामला है। क्या अध्यक्ष पति ने मारपीट की है आपके पार्षद पर? नहीं, ऐसा मामला तो मेरे संज्ञान में नहीं है मारपीट का, गाली गलौज का और अभद्रता का है मामला, पर इनको नहीं करना चाहिए। हमारे साथ पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जनप्रतिनिधि है, जनता से चुन के आए हैं, उनकी भी जल की समस्याएं हैं, लाइट की समस्याएं हैं। हर आप सौतेला विहार ये बहुत दिनों से कर रहे हैं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। हम इनकी कंप्लेंट कलेक्टर साहब से भी कर चुके हैं, माननीय HDM महोदय से भी कर चुके हैं, और आए दिन ये ऐसी हरकतें करते हैं जिससे सही मैसेज नहीं आ रहा है नगर में।